दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि महिला इंडियन आर्मी फिजिकल की सारी जानकारी, एनसीसी को कितना फ़ायदा, रिलेशन वालों को कितना फ़ायदा। आज के वीडियो में हम सब कुछ देख लेंगे कि किनको कितना परसेंट का छूट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कोई भी अपडेट मिलता है सबसे पहले। दोस्तों आप सभी कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट को आप पता होगा, ईमेल आ चुका होगा शॉर्ट लिस्ट का, नॉन शॉर्ट लिस्ट का, तो आप लोग जान चुके होंगे और कि किसका एडमिट कार्ड आएगा किसका नहीं आएगा। आप लोग को हम सारी वीडियो दिखा चुके हैं, जितने भी इसकी अपडेट आती जा रही है पल पल की, आप लोग को हर न्यूज़ हम देते जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ, आप लोग को इसका लाइव वीडियो भी मिलने वाला फिजिकल की। दोस्तों आप लोगों को कट ऑफ भी पता है कि 86 पे गई है, 86% पे कट ऑफ एडमिट कार्ड का हुआ है और फिजिकल की भी डेट आप लोगों को पता है। दोस्तों आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हाइट इसमें 1.42 सेमी मांगा है कम से कम, इससे ज़्यादा रहेगा चलेगा। फिर वजन की बात करें तो वो तो हाइट के अनुसार वजन होता है, आपकी जितनी हाइट है उसके अनुसार वजन चलेगा, वजन का कोई बाउंड नहीं रहता है। फिर हम रनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो आप लोग को 100 मार्क्स मिलेंगे इस पर, 100 नंबर का रनिंग रहेगा आप लोग का, और इसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि 100 में 100 ला दीजिए, एक्सीलेंट। 1600 मीटर की दौड़ होगी, इसमें आपको 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर इससे करते हैं तो आप लोग को 100 नंबर मिल जाएगा दौड़ का, जो कि आपको आगे चल के फ़ायदा देगा मेरिट में। 8 मिनट में अगर मारते हैं तो आप लोग को हर, देखिए यहाँ पे 30 सेकेंड पे आप लोग का 12 नंबर कटेगा, यानी कि 15 सेकेंड पे 6 नंबर कटेगा, तो आप 8 में मारेंगे तो जोड़ लीजिए 12 नंबर कट जाएगा आपका। तो आप लोग कम से कम 7.5 में मारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जैसा अगर रहेगा नंबर 100 नंबर तो आप लोग का एग्ज़ाम में जुड़ेगा, तो उम्मीद है कि 100% आप लोग क्वालिफाई होंगे। इसलिए दौड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और 100 में 100 नंबर लेने की कोशिश कीजिए। और लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप आप लोग का 10 फीट का होगा और इसको तो अनिवार्य कंपलसरी है आप लोग को इसमें जंप करना। 3 बार आप लोग को मौका दिया जाएगा, 3 बार में क्वालिफाई करना कंपलसरी, आप लोग को किसी भी कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है। और हाई जंप की बात करें तो हाई जंप में भी आप लोग को 3 बारी मौका दिया जाएगा, जो कि 3 फीट इसमें भी है, ये भी कंपलसरी है। इसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई छूट नहीं है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, सबको 3 बार में आप लोग को 3 फीट हाई जंप करना है। ये तो रहा अनिवार्य है दो चीज़, लॉन्ग जंप और हाई जंप। दौड़ में नंबर के अनुसार है आप कितने सेकेंड में करते हैं, कितने मिनट में करते हैं। और बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर यदि आप लोग सर्विस मैन के लड़के हैं, लड़की हैं, तो आप लोग को 20 नंबर ऐसे मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका एक्स्ट्रा, जो कि रिटेन में जाकर जुड़ जाएगा ये सभी नंबर, और आपका मेरिट सबसे ऊपर चला जाएगा। और एनसीसी ए वाले को 5 नंबर, बी वाले को 10 नंबर, सी वाले का तो पूरा का पूरा है। और जिन कैंडिडेट, यानी कि न उनके पास एनसीसी है, न उनके पिताजी इंडियन आर्मी में हैं, यानी कि उनका कोई भी रिलेशन ना है और ना कोई सर्टिफिकेट है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें अपने रनिंग पे, क्योंकि ये रनिंग वाले तो वैसे ही ले जाएंगे, एनसीसी वाले 20 नंबर एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं और एक्स मैन वाले भी एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं, तो आप लोग का मेरिट तो ऐसे ही कम दिखाई देगा। इसलिए जिस कैंडिडेट के पास एनसीसी और उनके पिताजी नहीं हैं आर्मी में, तो वो लोग कोशिश कीजिए कि दौड़ में 100 से 100 ला दीजिए, फिर तो आपकी जॉब पक्की है। दोस्तों यदि आप ये फिजिकल क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी जॉब 100% पक्की है, क्योंकि आप तो असली कट ऑफ तो आप लोग पार कर चुके हैं, जो असली बॉर्डर था आप लोग, आप लोग तो पार कर चुके हैं एडमिट कार्ड का, बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिनका आया है। तो यदि आप लोग दौड़ पास कर ले रहे हैं, फिजिकल क्वालिफाई हो जा रहे हैं, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोग का जो जो प्रोसेस होगा उसका हम वीडियो लाते जाएंगे,
जैसे जैसे अपडेट आता जा रहा है, तो आप लोग को बताना जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।